हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको लौकी की सब्जी बनाना सिखा रहे हैं। उसके लिए जो हमें सामान चाहिए वो इस प्रकार है। हमें चाहिए लौकी, हमने इसे साफ करके धुला हुआ है। और हमें और चाहिए, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और ये सब्जी मसाला है, राई एक चम्मच, हरी मिर्च 2-3, 6-7 लहसुन की बारीक कटी हुई कलियां, प्याज एक बड़ा प्याज है ये, और ये एक बड़ा टमाटर है। अगर टमाटर छोटे हैं तो 2 टमाटर लीजिएगा आप। और ये भीगा हुआ चना दाल है 1 कटोरी। इसे दिखाऊंगी, डालती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने पैन रख दिया है गर्म होने के लिए। अब हम इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म होने पे हम इसमें डालेंगे राई, जीरा 1 चम्मच, और इसे हम थोड़ा सा चला देंगे। उसके बाद हम लहसुन और मिर्ची डालेंगे इसमें। इसे भी हम थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे। और हम प्याज ऐड करेंगे इसमें। इसे कलर चेंज होने तक पकाना है हमें, जब तक इसका कलर गोल्डन ना हो जाए, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसको थोड़ा ब्राउन होने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा लाल हो चुका है, प्याज लहसुन सारे अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे बाकी हमारे सामान। सबसे पहले हम टमाटर ऐड करेंगे इसमें, 2 बड़े टमाटर हैं ये। इसके बाद हमें डालना है 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच, आप जैसा तीखा खाते हो कम खाते हो इसे कम ऐड कीजिए, हम 1 चम्मच डाल रहे हैं। और ये है सब्जी मसाला, ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, इसको भी हम 1.5 चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं। और अच्छे से मसालों के साथ में सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है हमें। जब तक टमाटर थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हमें इसे मसाले को पकाना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम डालेंगे भिगोया हुआ चना दाल जो हमने 2 घंटे भिगो के रखा था, और इसको भी इसमें मिक्स करेंगे अच्छे से। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होने के बाद हम अपना मेन
सामान डालेंगे जो है लौकी। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए कलर बहुत प्यारा लग रहा है और दोस्तों ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। अब हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक, अपने टेस्ट के अनुसार आप डालिए। लाइट खाते हैं तो थोड़ा, वैसे आजकल दोस्तों लाइट खाना चाहिए नमक, जो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। हम इसे फिर नमक डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। ये हमारा मिक्स हो गया है, अब हम इसे ढक्कन लगा के कवर करेंगे ताकि हमारा सब्जी जो है अच्छे से सॉफ्ट और नरम पक जाए। ये देखिए दोस्तों हम इसे 5 मिनट बाद चेक करेंगे। देखिए दोस्तों हम चेक करेंगे कि हमारी सब्जी की कंडीशन क्या है, इसे हमें बीच में चलाते रहना है। देखिए अगर आपको लगे कि आपकी सब्जी थोड़ी ड्राई हो रही है तो हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। ताकि ये अच्छे से पकनी चाहिए सॉफ्ट, इसलिए हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जो हमने चना डाला है ये सब डाले सारी चीज़ें अच्छे से कुक हो, फिर हम इसे पकने देंगे 10 मिनट के लिए ताकि हमारी सब्जी अच्छी तरह से गल जाए। देखिए दोस्तों अब हम चेक करते हैं कि हमारा ये तैयार हो गया है। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ये पक चुका है, बहुत ही सॉफ्ट। ये देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा लग रहा है। तो अब इसे हम स्विच ऑफ कर देंगे गैस को और हम सर्व करेंगे। एक बाउल में सर्व करेंगे इसे हम। और ऊपर से थोड़ा सा हम हरा धनिया से गार्निश करेंगे इसे। देखिए तैयार है हमारी लौकी की सब्जी। जो देखने में बहुत ही अच्छी और खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्ट लगेगी आपको। ज़रूर बनाएं और ट्राई कीजिए इसे। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।